अरे कौन कौन नहीं मानता, सीएम ये भी बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, कौन नहीं बनना चाहता। किसी के सपने को कैसे रोका जा सकता है, तो पार्लियामेंट वोट करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे छह छह सात सात आठ आठ फेस है। कांग्रेस में तो एक फेस आया था सचिन पायलट, जिसको भी गहलोत साहब ने 1000 फुट नीचे गाड़ दिया। हमारे यहां ऐसा नहीं, अरे अच्छा परंपरा है कि अच्छे अच्छे फेस आए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, तो उनमें से जो खिलाड़ी मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। यहां तो गहलोत साहब जी ने ऐसी मन मोनोपोली कर डाली कि बेचारा सचिन पायलट का नाम ही उड़ा दिया। मेहनत तो 5 साल तक पायलट ने की, बन बैठे ये वो उनका मामला, कोई बनो कोई आओ। लेकिन जिस ढंग से युवाओं का दमन, अच्छे व्यक्तियों का दमन कांग्रेस में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हमारे छह छह माना यूथ मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, तो पार्टी के लिए। तो हमारे यहाँ ऐश्वर्य जी, मेरा तेरा समर्थक नहीं होता, हमारे विचारधारा के समर्थक होते, विचारनिष्ठ होते, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते। कार्यकर्ता ठीक है, कुछ 10-20-25 अपनी भावना रखते तो अलग बात है, लेकिन देखो बहकाने के भड़काने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन केंद्र में 8 आदिवासी मंत्री हैं, राष्ट्रपति SC के बैठे हुए हैं, और सबसे पहले ST आयोग अटल जी ने बनाया, ST कमीशन बनाया, ST का अलग से मंत्रालय बनाया। और ये मैंने अभी बोला ही है, झारखंड में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी था उनको गौरवान्वित किया है, सबसे ज्यादा सम्मान आदिवासियों को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दिया है। मैं किन परिस्थितियों में पार्टी से चला गया बात अलग है, लेकिन वापस आए, झाज का पंछी झाज में आ गया, तो मेरे को राज्यसभा में भेज दिया, कितनी बड़ी बात की है।